दोस्तों, तो मैं रश्मि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ रश्मिस किचन में। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक न्यू रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे नूडल्स। बट ये नूडल्स जो है वो बिल्कुल ही नया है। चिंग्स का नूडल्स हम बनाने जा रहे हैं, हक्का नूडल्स जो की है सोकेट नूडल्स। जी हाँ, चिंग्स ने लाया है एक नया हक्का नूडल्स जो की है सोकेट, जिसे आपको उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 मिनट तक हम उबालते हैं। नहीं, ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बस बॉइलिंग वाटर कीजिए, वाटर को उबालिए, पानी को उबालिए और उसमें जो है 5 से 7 मिनट के लिए बस हक्का नूडल्स को रख दीजिए। वो रेडी हो जाएगा और हम जैसे अपना नॉर्मल नूडल्स बनाते हैं वैसे बना लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। और हाँ, चिंग्स तो वैसे है ही यम्मी और ये है देसी चाइनीज। चलिए हम बनाते हैं अपना चिंग्स का हक्का नूडल्स। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट यू विल नेवर मिस द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बनाएंगे चिंग्स का सीक्रेट हक्का नूडल्स, जो कि बिल्कुल ही नया है, न्यू आया है मार्केट में। आप इसे कहीं भी अपने मार्केट से खरीद सकते, किसी भी शॉप से, जो कि है जस्ट सो वेज हक्का नूडल्स। जी हाँ, जैसे हम पुराने हक्का नूडल्स को बॉईल करते थे, तो इसे बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप डायरेक्टली जो है वो पानी गर्म कर सकते हैं, उसे 5 से 7 मिनट के लिए आप अच्छे से ढक के छोड़ दें और उसके बाद जैसे हम नॉर्मल नूडल्स बनाते थे आप वैसे फ्राई करके इसे बना सकते हैं सब्जियों के साथ। तो देख सकते हैं आप, 150 ग्राम का चिंग्स का नूडल्स का पैकेट है, इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसके बैक साइड में आप सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। तो देखिए 150 ग्राम और इसके प्राइस वगैरह सब कुछ, और इसके इंस्ट्रक्शन आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं अभी हक्का नूडल्स। तो चलिए नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी जो है वो गर्म करने को रख दिया है। आप किसी भी बर्तन में पानी गर्म कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 3 से 4 कप पानी डाला है, जो कि अच्छे से बॉयल होने देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जस्ट सोक हक्का नूडल्स है, आपको नूडल्स बॉयल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पानी को अच्छे से गर्म कर ले, बॉयल कर ले, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसमें नूडल्स डाल देंगे। चलिए अभी इसे थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। चलिए, तो हमारा पानी जो है वो अच्छे से अभी गर्म हो चुका है, हमें बहुत अच्छे से पानी को गर्म कर लेना है। चलिए, तो अभी गैस को बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं और अभी हम इसमें अपना नूडल्स ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं नूडल्स। गैस को मैंने फ्लेम को पहले ही बंद कर दिया है और इसे हम डाल देंगे। और अभी क्या करना है हमें, इसे डाल के ऐसे अच्छे से छोड़ देना है और इस पे ढक्कन रख के 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही इसे अच्छे से सोक होने देंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम ढक्कन हटा लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए नूडल्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए। बीच में थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स किया है ताकि अच्छे से वो सोक हो जाए। अभी क्या करना है, हम जैसे नॉर्मल नूडल्स को ड्रेन कर लेते थे पानी में, एक बार धो लेते थे, तो चलिए वैसे ही हम इसे धो लेंगे, छान लेंगे और उसके बाद हम अपना नूडल्स बनाएंगे। चलिए बनाते हैं हम हक्का नूडल्स। और हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है गैस पे। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम उसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच तेल। और तेल गर्म होने के बाद उसमें ऐड कर देंगे लहसुन। थोड़ा लहसुन लिया मैंने, 2-3 कलियां कट करके ली है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। करेंगे थोड़े से कटके हुए मिर्ची, मैंने इसे लंबे लंबा कट करके ले लिया। इसमें ऐड कर देते हैं कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से लंबा लंबा कट कर ले। और एक बड़ा प्याज कट करके यहाँ पे लिया मैंने, ये इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। बनाते वक्त हमेशा जो है वो फ्लेम को तेज रखें और हमें जल्दी जल्दी सब्जियां जो भी आप डालना चाहते हैं वो कढ़ाई में डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ऐड करते हैं कटा हुआ गाजर, जो कि अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट के, आप चाहे तो और लंबे पीसेस भी कट कर सकते हैं इसे। और अभी इसमें ऐड करते हैं एक कटा हुआ शिमला मिर्च। इन सबको हाई फ्लेम पे ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट के लिए बस अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को फ्राई करते हुए। हम नूडल्स में सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, बस अच्छे से थोड़ी ही देर के लिए वो सौते हो जाए इतना करते हैं। तो चलिए अभी टाइम है नूडल्स ऐड करने का, जो कि हमने पहले से सोक करके रखा है। इसमें ऐड करते हैं सोक किया हुआ हक्का नूडल्स, जो कि चिंग्स का सोक हक्का नूडल्स से, जो कि बिल्कुल ही जो है स्टिकी नहीं होगा। आप इसे अच्छे से सोक करके ड्रेन करके पानी से रख दें। तो चलिए अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब्जियों में और थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भी फ्राई कर लेंगे नूडल्स को। तो 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है सब्जियों के साथ। अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एक सीक्रेट मसाला,
जो कि है चेंज का चौमिन हक्का नूडल्स मसाला, जो कि चौमिन को हमारे नूडल्स को बहुत ही टेस्टी बनाता है। आप इस हक्का नूडल्स के साथ ये मसाला डालिए और झटपट बन जाएगी, आपको और भी कोई सॉसेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस डाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे हम अपने हक्का नूडल्स को, जो कि है सोकेट नूडल्स। तो इसे आप सिर्फ इस चौमिन मसाले के साथ बनाएंगे। तो चलिए इसका पैकेट डाल देते हैं इसमें। डालने के बाद हम इसमें ऊपर से डाल देंगे 1 से 2 चम्मच पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए मसाले को नूडल्स में अच्छे से मिक्स कर देते हैं जल्दी से। तो मसाला मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। मसाला मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे फ्राई कर ले, पकने दे थोड़ा। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से पकने दिया है। तो ये हमारा नूडल्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखा आपने कि कितना ही झटपट बन गया, ना इसे बॉइल करने की झंझट और ना ही इंतजार करने की, जल्दी से हम बना सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सॉस आपको ऐड करना, सोया चिली या फिर टोमेटो, आप इजिली इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गैस बंद करते हैं और इसे झटपट सर्व कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा चिंग्स का हक्का नूडल्स, जो कि है सोकेट नूडल्स। बहुत ही सिंपल है, इजी है, आप इसे कभी भी घर में बना सकते हैं। तो लाइए इसे अपने घरों में और बनाइए और एंजॉय कीजिए।